हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जैनिता क्लासेस। फ्रेंड्स, आई एम शिवम पांडे। वी हैव ऑलरेडी कवर्ड टू लेक्चर्स ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑन द चैप्टर लिविंग वर्ड, एंड दिस इज आवर थर्ड वीडियो इन विच आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन सम मोर क्वेश्चंस टू यू विच आर फ्रॉम एनसीईआरटी, एंड नाउ वी स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इट। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि इस चैनल पर अपलोड होने वाले हर वीडियो को की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, देर नहीं करते हैं और हम इस वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। हमने पिछले दो लेक्चर्स को मिला करके कुल 64 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए हैं और अब है क्वेश्चन नंबर 65 जो कि लिविंग वर्ड का है। और मैं जो भी क्वेश्चन आपको यहाँ पर करा रहा हूँ सबके सब क्या हैं, एनसीईआरटी से हैं। कोई भी क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर का नहीं है। विच इज़ नॉट अप्लीकेबल टू बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट, इनमें से कौन सा स्पीसीज की जो जाति की बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट थी, ठीक है, बायोलॉजिकल स्पीसीज कौन सी, वह कौन सी उस पर सही नहीं अप्लीकेबल होती है, नहीं रखी जाती है, मतलब बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट इनमें से किस पर आधारित नहीं है। ऑप्शन ए हाइब्रिडाइजेशन, ऑप्शन बी रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, ऑप्शन सी नेचुरल सिलेक्शन एंड ऑप्शन डी जीन पूल। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए हाइब्रिडाइजेशन। जो बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट है वह हाइब्रिडाइजेशन पर आधारित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टैक्सोनॉमिक एड गिव्स कम्प्रिहेंसिव अकाउंट ऑफ कंप्लीट कंपेल्ड इन्फॉर्मेशन ऑफ अ जीनस और फैमिली एट अ पर्टिकुलर टाइम। किस टैक्सोनॉमिकल एड से आप एक निश्चित टाइम पे किसी जीनस या किसी फैमिली की पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ऑप्शन ए है टैक्सोनॉमिक की, ऑप्शन बी हर्बेरियम, ऑप्शन सी मोनोग्राफ एंड ऑप्शन डी फ्लोरा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी मोनोग्राफ। तो देखिए, सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी वाले ही हैं। अगला क्वेश्चन है 67, आईसीबीएन इज, आईसीबीएन क्या है। ऑप्शन ए इंटरनेशनल कोड ऑफ बायोलॉजिकल नेमिंग, ऑप्शन बी इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, ऑप्शन सी इंटरनल क्लास ऑफ बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर एंड ऑप्शन डी इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। ए यहाँ पे ए और यहाँ पर बीस। अगला क्वेश्चन है, वो डीड राइट स्पीसीज प्लांटेरियम एंड प्रोवाइड अ बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, इनमें से किसने स्पीसीज प्लांटेरियम नाम की किताब को लिखा था और वर्गीकरण के लिए एक आधार दिया था। ऑप्शन ए है कैरोलस लिनियस, ऑप्शन बी चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन सी रॉबर्ट हुक एंड ऑप्शन डी लिवेन हॉक। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए कैरोलस लिनियस। क्वेश्चन नंबर 69, आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट्स फ्रॉम बिलो, नीचे दिए गए स्टेटमेंट से सही स्टेटमेंट चुनिए। फर्स्ट स्टेटमेंट है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी जॉन रे, गलत है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कैरोलस लिनियस। सेकंड है होमो सेपियंस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ मैन, ये सही है। थर्ड है टैक्सोनॉमी टैक्सॉन इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड प्लांट्स और एनिमल्स, ये भी गलत है। बेसिक यूनिट आर लोवेस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी इज स्पीसीज, ये सही है। द फर्स्ट स्टेप इन टैक्सोनॉमी इज नेमिंग, गलत है। द फर्स्ट स्टेप इन टैक्सोनॉमी इज आइडेंटिफिकेशन देन नेमिंग एंड फाइनली क्या है क्लासिफिकेशन। अगला स्टेटमेंट है मॉडर्न क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन फाइलोजेनी, बिल्कुल सही है। जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है वह जात वित्तीय संबंधों पर निर्धारित है कि उनका विकासीय संबंध क्या है, इस पर आधारित है। फर्स्ट टाइम बायनोमियल नॉमेनक्लेचर वाज रिटन इन लैटिन, ये भी आपका सही है। द नंबर ऑफ स्पीसीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड रेंज बिटवीन 1.7 टू 1.8 मिलियन, प्रजातियों की वह संख्या जो कि अब तक जिसको हम जानते हैं, जिनका नामकरण हो चुका है, जिनका वर्णन किया जा चुका है, वह 1.7 से 1.8 मिलियन है, 17 से 18 लाख हैं, ये भी सही है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सेकेंड फोर्थ सिक्स सेवेंथ एंड एट्थ। क्लासिफिकेशन सिस्टम्स है मेनी यूजेज, विच आर द फॉलोइंग इज अ नॉट अ गोल ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है इसके बहुत सारे उपयोग हैं, वर्गीकरण का क्या है, वर्गीकरण की पद्धति के बहुत सारे उपयोग हैं, इनमें से कौन सी बात उस पर सही साबित नहीं होती है, कौन सा उससे संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए है टू डिपिक्ट कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, क्लासिफिकेशन का मतलब होता है, का उद्देश्य होता है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को दर्शाना। बी है टू क्लैरिफाई रिलेशनशिप्स एमंग ऑर्गेनिजम्स, प्राणियों के बीच में संबंधों को बताना। टू हेल्प अस रिमेंबर ऑर्गेनिजम्स एंड देयर ट्रेट्स, हमें प्राणियों के नाम याद रहना, ठीक है, उनके बारे में याद रहना उनके लक्षणों को याद करने में मदद करता है। टू क्लियरली आइडेंटिफाई ऑर्गेनिजम्स बीइंग स्टडीड, अब तक जिनका अध्ययन हो चुका है उनका उनको भी पहचानने में क्या करता है, मदद करता है।
तो बी सी डी सब ये तो सही है, ये सभी क्या हैं इससे संबंध रखते हैं, ए ऐसा स्टेटमेंट है जो कि जिसका क्लासिफिकेशन सिस्टम में कोई उपयोग नहीं है। अगला क्वेश्चन है 71, टैक्सोनॉमिक सिस्टम्स यूज्ड बाय बायोलॉजिस्ट आर हायरार्किकल, दैट इज जो बायोलॉजिस्ट द्वारा टैक्सोनॉमिक सिस्टम यूज किया जाता है वह क्या हायरार्किकल है, एक क्रम में है, इसका मतलब क्या होता है। ऑप्शन ए है टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स रिफ्लेक्ट शेयर्ड कैरेक्टर्स नॉट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स, जो टैक्सोनॉमिक ग्रुप हैं वे शेयर्ड कैरेक्टर को प्रभावित करते हैं न कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को, जातीय संबंधों को विकासीय संबंधों को प्रभावित नहीं करते हैं। ऑप्शन बी है इच हायर टैक्सोनॉमिक ग्रुप कंटेन्स ऑल द ग्रुप्स बिलो इट, हायरार्की का मतलब ये होता है कि जो प्रत्येक हायर टैक्सोनॉमिक ग्रुप है उसके नीचे ठीक है उसमें सभी जो नीचे वाले ग्रुप्स होते हैं वे शामिल होते हैं, उनके लक्षण होते हैं। सी है टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स रिफ्लेक्ट कॉमन हैबिटेट्स, जो टैक्सोनॉमिक ग्रुप हैं वे कॉमन हैबिटेट को भी प्रभावित करते हैं। एंड डी है हायरार्की ऑफ हैबिटेट्स इज यूज्ड टू एस्टैब्लिश क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन को स्थिर करने के लिए हम लक्षणों का एक क्या करते हैं हायरार्की लेते हैं, एक क्रम में लक्षणों को लेते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, इच हायर टैक्सोनॉमिक ग्रुप कंटेन्स ऑल द ग्रुप्स बिलो इट। क्वेश्चन नंबर 72, क्लासिफिकेशन सिस्टम सर्व फोर इंपॉर्टेंट रोल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ देम, जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है उसके चार इंपॉर्टेंट चार महत्वपूर्ण भूमिकाएं हैं, इनमें से वह कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए टू हेल्प अस रिमेंबर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट थिंग्स, अलग अलग वस्तुओं के लक्षणों को याद रखने में मदद करता है, सही है। बी टू हेल्प अस आइडेंटिफाई शेयर्ड ट्रेट्स सच एज हेयर, मेमोरी ग्लैंड्स एंड कॉन्स्टेंट हाई बॉडी टेम्परेचर इन मैमल्स, मैमल्स में हाई बॉडी टेम्परेचर, मेमोरी ग्लैंड्स, बॉडी हेयर, ऐसे ट्रेट्स को पहचानने में मदद करता है, सही है। सी है टू रिवील द हारमोनी ऑफ नेचर, प्रकृति की हारमोनी को पहचानने में मदद करता है, तो सी क्या है गलत है, बाकी सब सही है। और डी है टू प्रोवाइड स्टेबल यूनिक अन इक्विवोकल नेम्स फॉर ऑर्गेनिज्म्स एंड टू हेल्प रिकंस्ट्रक्ट इवोल्यूशनरी पाथवेज, यह क्या करता है प्राणियों को स्थिर एक खास नाम देता है और इवोल्यूशनरी पाथवेज को बनाने में उनका निर्माण करने में मदद करता है। तो सी जो है वह आपका सही आंसर है, क्योंकि सी क्या है क्लासिफिकेशन सिस्टम के उद्देश्यों को नहीं बताता, बाकी सभी बताते हैं। अगला क्वेश्चन है इन रेफरिंग टू एन ऑर्गेनिज्म इन राइटिंग सच एज इन न्यूज़पेपर टेक्स्ट बुक और लैब रिपोर्ट, विच ऑफ दिस रूल्स शुड बी फॉलोड, जब भी हम किसी का नेम न्यूज़पेपर टेक्स्ट बुक या लैब रिपोर्ट में लिखते हैं तो कौन से नियम का पालन होना चाहिए। तो भाई जब भी हम वहाँ पे लिखते हैं हम क्या करते हैं उसे छापते हैं, क्या करते हैं छापते हैं। तो पहला होगा यहाँ क्या होगा तुम्हारा अंडरलाइन आ इटैलिसाइज्ड जीनस, नहीं अंडरलाइन आ इटैलिसाइज्ड स्पीसीज, इधर 1-2 हो गया। फर्स्ट लेटर ऑफ स्पीसीज शुड बी अपर केस, स्पीसीज का जो पहला लेटर है अपर केस होना चाहिए। फर्स्ट लेटर ऑफ जीनस शुड बी अपर केस, तो क्या हो जाएगा 1-2-4 करेक्ट आंसर, 1-2-4 ये करेक्ट आंसर, क्योंकि हम जीनस को क्या करते हैं इटली से फर्स्ट लेटर को कैपिटल रखते हैं, ठीक है अपर केस रहता है, बाकी इस चीज का लोअर केस रहता है, बट इसने बोला कि इस चीज का भी अपर केस, तो तीसरे को छोड़ के बाकी 1-2-4 क्या है सही आंसर है। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट क्लासिफिकेशन इज नॉट ट्रू, इनमें से क्लासिफिकेशन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सत्य नहीं है, कौन सा सत्य नहीं है ये पूछ रहा है। मेंबर्स ऑफ अ फैमिली आर लेस सिमिलर देन मेंबर्स ऑफ एन इंक्लूडेड जीनस, सही है, जो फैमिली के मेंबर होते हैं इंक्लूडेड जीनस की तुलना में कम सिमिलर होते हैं। एन ऑर्डर हैज मोर मेंबर्स देन द नंबर ऑफ मेंबर्स इन इंक्लूडेड जीनस, एक जीनस में जो सदस्यों की संख्या होती है वो ज़्यादा होती है, वो भी सत्य है। फैमिलीज हैव मोर मेंबर्स देन फाइला, फैमिली में ज़्यादा मेंबर होते हैं फाइला की तुलना में, गलत है, क्योंकि फैमिली छोटा है, स्पीसीज जीनस फैमिली ऑर्डर क्लास तब फाइलम उसके बाद किंगडम, फाइलम बड़ी है तो उसमें ज़्यादा मेंबर होंगे, फैमिली में कम होंगे। मेंबर्स ऑफ अ फैमिली शेयर अ कॉमन एंसेस्टर इन द मोर डिस्टेंट पास्ट देन मेंबर्स ऑफ एन इंक्लूडेड जीनस, एक जीनस की तुलना में जो फैमिली के मेंबर होंगे उनके जो पूर्वज होंगे ज़्यादा कॉमन होंगे पिछले समय में, तो सत्य है। द नंबर ऑफ स्पीसीज इज इन अ टैक्सॉन डिपेंड्स ऑन देयर रिलेटिव डिग्री ऑफ सिमिलरिटी, स्पीसीज में जो स्पीसीज ठीक है स्पीसीज की जो संख्या है एक टैक्सॉन में और डिपेंड करती है समानता के आधार पर कितनी ज़्यादा समानता है, ये भी सही है। तो 3 को छोड़ के बाकी सब सही है। सेलेक्ट द ट्रू स्टेटमेंट फॉर रिप्रोडक्शन, प्रजनन के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है। इट इज़ एन अनइक्विजिबल डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म,
एक्सक्लूसिव तो एक्सक्लूसिव नहीं होता है, इट इज एन ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, सेकंड सही है, फर्स्ट नहीं सही है। थर्ड है इट इज एन ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट्स एंड फंगाई ओनली, गलत है। फोटो पीरियड अफेक्ट्स प्रोडक्शन इन सीजनल प्लांट्स ब्रीडर ओनली, फोटो पीरियड का प्रभाव केवल प्लांट ब्रीडर्स पर पड़ता है, पौधों पर पड़ता है, तो गलत है। फिफ्थ है फोटो पीरियड अफेक्ट्स प्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर्स बॉथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, फोटो पीरियड जो है वह सीजनल ब्रीडर्स में रिप्रोडक्शन को प्रभावित करता है पौधों और एनिमल्स प्राणियों दोनों में, तो ये सही है। तो दूसरा और पांचवा क्या है करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद ग्रोथ और सेल डिवीजन इन, इनमें से किसमें रिप्रोडक्शन जो है वह सिनोनिमस होता है, समान होता है, बैक्टीरिया में, ठीक है, और यूनिसेलुलर एल्गी में और अमीबा में, फर्स्ट फोर्थ एंड फिफ्थ। बाकी हाइड्रा और प्लेनेरिया में आपके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं, जैसे कि फ्रेगमेंटेशन होता है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, सही स्टेटमेंट बताना है। ग्रोथ इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैन नॉट टेक्स प्लेस इन विट्रोकल्चर, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो ग्रोथ है वह विट्रोकल्चर में नहीं हो सकता है। ग्रोथ बाय सेल डिवीजन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैन बी ऑब्जर्व इन विवोकल्चर, सेल डिवीजन के द्वारा एक उसकी प्राणियों में जो ग्रोथ होती है उसको विवोकल्चर में महसूस किया जा सकता है, देखा जा सकता है। ग्रोथ बाय सेल डिवीजन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कैन बी ऑब्जर्व इन विट्रोकल्चर, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट्स द बेस्ट टू बेस्ट रीजन्स फॉर डिस्टिंग्विशिंग द लिविंग फ्रॉम द नॉन-लिविंग, इनमें से दो कौन से सबसे अच्छे कारण हैं लिविंग से नॉन लिविंग पहचानने के। पहला है ग्रोथ एंड लोकोमोशन, नहीं। बी है इरिटेबिलिटी एंड लोकोमोशन, नहीं। सी रिस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन, सही। एंड डी रिप्रोडक्शन एंड लोकोमोशन, तो बेस्ट जो सबसे अच्छे हैं वे क्या हैं, रिस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। ये ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कि केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं, इनमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, नॉन लिविंग में देखने को नहीं मिलते हैं। विच आर द फॉलोइंग बायोलॉजिकल प्रोसेस डू नॉट ऑपरेट विद इन द लाइफ स्पैन, गिवन ऑर्गेनिज्म, इनमें से कौन सी प्रोसेस जो है बायोलॉजिकल प्रोसेस वह किसी भी जीवित प्राणी के जीवन काल में नहीं देखने को मिलती है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, डिकम्पोजिशन एंड मिनरलाइजेशन, या किसी भी प्राणी के जीवन काल में देखने को नहीं मिलती है। बाकी बर्थ एंड न्यूट्रिशन, ग्रोथ एंड मैच्योरेशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन किसी भी प्राणी के जीवन काल में देखने को मिलती है। द लाइफ कैन बी अटेम्प्ट टू बी डिफाइंड एज ए पेक्यूलर सीरीज ऑफ फंक्शंस एसोसिएटेड विद, जीवन को हम कह सकते हैं कि यह क्या है, बहुत सारे कार्यों का एक चीज श्रेणी है, ठीक है, एक क्रम है, तो इनमें से किसका हम नहीं कहेंगे, ठीक है, किसका हम कहेंगे। ऑप्शन है ट्रांसफॉर्मेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का क्या करते हैं, ट्रांसफर, बदलाव करते हैं, उपयोग करते हैं। ट्रांसमिशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, मेटाबॉलिज्म एंड रिस्पॉन्स टू द एनवायरमेंटल वेरिएशंस, एंड तीसरा ऑप्शन भी देख लेते हैं, आखिरी वाला भी देख लेते हैं, तब सही आंसर करते हैं, ऑल ऑफ द अबव। तो चलिए क्वेश्चन में फिर से चलते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी होता है, ट्रांसमिशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, हम अनुवांशिक सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। मेटाबॉलिज्म उपापचय होता है, और इन्वायरमेंट के प्रति क्या होता है, रिस्पांस होता है। तो करेक्ट आंसर है क्या, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। द प्रोसेस कॉल्ड इवोल्यूशन एग्जिबिटेड बाय द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ इवोल्यूशन, जो बुद्धि है वह जीवित प्राणियों द्वारा रखा जाता है, इससे क्या बदलाव होते हैं, क्या प्रभाव होते हैं। ऑप्शन ए ओनली शॉर्ट टर्म चेंजेस इन द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट में केवल कुछ समय के लिए बदलाव होता है। बी है रीजनेबली लॉन्ग टर्म चेंजेस इन द एनवायरमेंट, सी है फुली स्टेबल कंडीशंस ऑफ द एनवायरमेंट, एंड डी द ओन डिजायर ऑफ द ऑर्गेनिज्म टू चेंज द एनवायरमेंट। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, रीजनेबली लॉन्ग टर्म चेंजेस इन द एनवायरमेंट। इवोल्यूशन के कारण क्या होता है, किसी भी वातावरण में जब लंबे समय तक परिवर्तन होता है तो इवोल्यूशन होता है। द लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ अ हायरार्कियल लेवल शेयर इन कॉमन विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स, इनमें से कौन सा ऐसा लक्षण है जिस जो कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है हायरार्की में शेयर करते हैं। नेचर ऑफ प्रोटोप्लाज्मिक कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोटोप्लाज्म का के जो घटक हैं ये सब में समान होते हैं, एक जैसे होते हैं। मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट कॉन्सर्निंग लाइफ, जीवन से संबंधित असत्य स्टेटमेंट, गलत स्टेटमेंट कौन सा है। ऑप्शन ए है इट इज अ सेल्फ रेगुलेटेड थर्मोडायनेमिक सिस्टम, बी इट इज केपेबल ऑफ कैटालाइजिंग द मेटाबॉलिक रिएक्शन, सी
इट इज़ केपेबल ऑफ सेल्फ परपेचुएशन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन विदाउट डीएनए डुप्लीकेशन। तो बिना डीएनए के डुप्लीकेशन के एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। तो सी गलत है, बाकी सभी क्या है सही है। करेक्ट आंसर आपका सी है। मतलब विच वन ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट इज एन इंक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग। इनमें से कौन सा लक्षण क्या है जीवित प्राणियों का इन एक्सक्लूसिव कैरेक्टर है जो कि केवल उन्हीं के अंदर होता है। सी क्या है, सी परसेप्शन ऑफ इवेंट्स हैपनिंग इन द एनवायरनमेंट इन द मेमोरी। ठीक है, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई क्या है एक्सक्लूसिव कैरेक्टर से, बाकी क्या है एक्सक्लूसिव नहीं है। एक्सक्लूसिव का मतलब होता है खास, उन्हीं के अंदर देखने को मिली। विच आर द फॉलोइंग इज सेल्फ कॉन्शियसनेस। इनमें से कौन सा क्या है स्वचेतन है, अपने बारे में सोचता है ह्यूमन बींग। लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी अनएक्सेप्शनली डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द नॉन लिविंग ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी फॉर। इनमें से किस लक्षण के आधार पर हम बोल सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वे नॉन लिविंग से बिना अपवाद के अलग हैं। इंटरेक्शन विथ एनवायरमेंट एंड प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन, ये क्या है करेक्ट आंसर है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर आर। सभी जीवित प्राणी जो मौजूद हैं, जो थे और जो आने वाले हैं, वे क्या हैं। नॉट लिंक्ड टू एनी एक्सटेंट, किसी भी हद तक जुड़े हुए नहीं हैं। लिंक टू वन अनदर इन देयर सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन में क्या है जुड़े हुए हैं समान है। लिंक टू वन अनदर बाय द शेयरिंग ऑफ कॉमन जेनेटिक मटेरियल बट टू वेयरिंग डिग्रीज। इसलिए संबंधित हैं क्योंकि उनका जेनेटिक मटेरियल क्या है समान है, सब में एक जैसा है। ठीक है, काफ़ी हद तक मिलता जुलता है बट उनमें काफ़ी क्या है विभिन्नता भी है। तो करेक्ट आंसर क्या है सी। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द चूज द करेक्ट वन, सही कौन सा है। फर्स्ट है ग्रोथ कैन नॉट बी टेकिंग एज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, सही है। डेड ऑर्गेनिज्म डज नॉट ग्रो, सही है। रिप्रोडक्शन कैन बी एन ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये भी सही है। रिप्रोडक्शन क्या है यह नहीं हो सकता। ठीक है, ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं हो सकता लिविंग ऑर्गेनिज्म का। नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इज कैपेबल ऑफ रेप्लिकेटिंग इटसेल्फ, कोई भी जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है वो अपनी जैसी प्रतिलिपि नहीं बना सकती है। मेटाबॉलिज्म इन अ टेस्ट ट्यूब इज नॉन लिविंग, वह नॉन लिविंग नहीं है, वह नॉन लिविंग रिएक्शन है। तो यही स्टेटमेंट गलत है, बाकी सभी है। मेटाबॉलिज्म में डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, सभी जीवित प्राणियों का डिफाइनिंग फीचर क्या है मेटाबॉलिज्म। तो करेक्ट आंसर क्या होगा बी, ऑल एक्सेप्ट बी। प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यूज आर प्रेजेंट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स, आर ड्यू टू सिमिलर सेल्स इन देम, आर ड्यू टू देयर सिमिलर ओरिजिन, अराइज एज ए रिजल्ट ऑफ इंट्रेक्शन अमंग द कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स। जो घटक कोशिकाएं हैं उनके खुद के व्यवहार से, उनके इंट्रेक्शन की वजह से क्या होता है टिश्यू का गुण होता है। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। प्रॉपर्टीज ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल ऑर्गेनेल, सेल ऑर्गेनेल का जो गुण होता है वह उसके मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट में होता है। ठीक है, तो ये गलत है, बाकी सभी सही हैं। इंट्रेक्शन अमंग द मॉलिक्यूलर कंपोनेंट्स ऑफ द ऑर्गेनेल रिजल्ट इनटू प्रॉपर्टीज ऑफ सेल ऑर्गेनेल, जब ऑर्गेनेल के मॉलिक्यूलर कंपोनेंट में इंट्रेक्शन होता है, उसके साथ संबंध होता है, तो परिणाम क्या होता है कि सेल ऑर्गेनेल की प्रॉपर्टी दिखने लगती है बाहर। बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। तो बी सी डी सही है, बाकी ये क्या है गलत है। मतलब आपका सही आंसर क्या है ए है। द ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स इन। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों क्या है अलग अलग घटनाएं हैं, किन में, ऑप्शन सी हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स। द सम टोटल ऑफ केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन आवर बॉडी, हमारे शरीर में होने वाले सभी रासायनिक क्रियाओं का जोड़ क्या कहलाता है मेटाबॉलिज्म। मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट, ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म्स ग्रो, प्लांट्स ग्रो ओनली अप टू अ सर्टेन एज, केवल जीवित प्राणी ग्रो करते हैं, ये सही है। प्लांट जो है केवल निश्चित उम्र तक नहीं, नॉन लिविंग ही ग्रो करते हैं आउटसाइड डिपोजिशन के कारण। तो पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है, क्योंकि बोला प्लांट्स ग्रो ओनली अप टू अ सर्टेन एज, पौधे केवल एक निश्चित उम्र तक बढ़ते हैं, तो ये गलत है। एनिमल्स निश्चित उम्र तक बढ़ते हैं, पौधे अनलिमिटेड बढ़ते हैं। द ग्रोथ इन ऑर्गेनिज्म इज फ्रॉम इनसाइड, यही सही है। विच आर द फॉलोइंग मल्टीप्लाई द प्रोसेस ऑफ फ्रेगमेंटेशन, प्लानेरिया फ्लेमेंटा सेल की फंगाई आल ऑफ दीज, करने से आल ऑफ दीज। तो दोस्तों हमने 30 क्वेश्चन इस वीडियो में कंप्लीट कर लिए। अब अगले वीडियो में हम बचे हुए क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। हम आपको कुल 120 से भी ज़्यादा क्वेश्चन इस चैप्टर में प्रैक्टिस कराएंगे, जो कोई नहीं कराता है, वो केवल हम कराते हैं। तो प्लीज़ हमारे साथ आइए, हमारा भरोसा करिए, हम आपको इतना क्वेश्चन ही करा देंगे कि आपका सिलेक्शन नीटिंग के में हो जाएगा। बायो में तो एकदम फुल गारंटी। तो चलिए बच्चों, इस वीडियो को समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।